सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मेरे हाथ में है Asus ZenFone Max Pro M1। इसका पीछे का लुक थोड़ा मैं चेंज किया हूँ, ये कैसे किया उसका भी वीडियो आएगा नेक्स्ट। तो आज इस फ़ोन का एक साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इस फ़ोन में जो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स पहले था अभी नहीं है और क्या क्या अभी भी है प्रॉब्लम्स, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। और अगर ये सब छोड़कर भी आपके फ़ोन में और कुछ नया प्रॉब्लम्स इशू है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक करो। जो सब Asus लवर्स है उसके साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना विद प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आप अभी 2019 में कौन सा फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि बहुत सारा नया कॉन्टेंट्स आने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले नंबर वन ये Asus ZenFone Max Pro M1 में जो एक मेजर इशू जो पहले भी था और अभी भी है, इसको चेंज करना चाहिए, वो है इसका जो एप्लीकेशन में, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, ये वाला आप देख सकते हो। ओके सो जो है ऑटोमेटिकली ये हैंग हो जाता है एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है क्विक स्टेप कैन नॉट ओके रिस्पॉन्डिंग ये सब कुछ दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर इशू है ये सॉफ्टवेयर इशू के लिए हो रहा है, लैक प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनली एंड ऑल्सो जो है ये फ़ोन वो जो है काम को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए ही ये रिस्पॉन्स वो पहले भी था अभी भी है और जब भी अपडेट देता है वो तो एक दो हफ्ता तक ठीक ठाक चलता है, उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ जाता है और अभी भी ये प्रॉब्लम है। और ये जो है स्क्रीनशॉट में जो लिया हूँ आप देख सकोगे यहाँ पर ये डेट देखो पुराना वाला डेट नहीं है। ओके जुलाई 18 जुलाई को मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, तो ये नया वाला अभी तक ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए नंबर वन। सो आपका क्या राय है नीचे जरूर बताना नंबर वन। सो नंबर टू जो है इसका साउंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले जो ये रिलीज होने के टाइम इसका हेडफोन साउंड बोलूँ या इसका लाउडस्पीकर साउंड ये दोनों ही एकदम बढ़िया था, मगर धीरे धीरे करके अपडेट्स आता गया इसका लाउडस्पीकर हेडफोन का साउंड हटता गया, उसके बाद फिर से अपडेट आया, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से अपडेट आया, फिर से दम गया, ऐसे करते करते अभी जो है इसका साउंड तो ठीक ठाक है, मगर इसका जो हेडफोन में जो अब जो डॉल्बी टाइप का जो डॉल्बी साउंड तो नहीं है, मगर वो जो बूम हेडफोन अगर आप लगा के सुनोगे तो आपका जो दोनों कान में जो साउंड फीलिंग्स आएगा वो अभी नहीं आता है, ठीक है। और गेम अगर आप गेम लवर हो और ये फ़ोन यूज कर रहे हो तो आपको तो समझ आ चुका ही होगा कि इसमें वो अभी नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो ये सॉल्व करना चाहिए मुझे लगता है आपका। अगर आप गेम लवर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये इशू आपके मोबाइल में है क्या नहीं है। ओके सो इसके बाद जो है नंबर थ्री इसमें मुझे एक चीज़ बढ़िया लगा वो है कि इसका जो सेल्फी कैमरा है, ये सेल्फी कैमरा पहले क्या था इतना घटिया था कि पूछो ही मत, ठीक है, पहले जो रिलीज़ के टाइम में, उसके बाद धीरे धीरे करके अपडेट्स आता गया इसको सॉल्व करते करते अभी जो है ठीक ठाक सेल्फी हो जाता है, ठीक है। और फ्रंट फ्लैश का तो नाम ही मत लो क्योंकि ये सिर्फ दिया गया है काम के लिए नहीं दिया गया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग फ्लैश दिया है तो ले लो। ओके सो और इसका जो बैक कैमरा है ठीक ठाक चलता है। और अगर आप ये जो गूगल कैमरा ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन है और ये जो गूगल कैमरा जो है इसको अगर आप यूज करते हो तो इसमें आपको और भी बढ़िया से जो है कैमरा देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पर मैं नाइट मोड का ऑप्शन बताऊँ या स्लोमो या पैनोरामा ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा गूगल कैमरा में, ठीक है। इसके बाद जो है इसका बैटरी, तो बैटरी में बहुत सारा जो है व्हाट्सएप में मेरे पास जो है कमेंट करके पता था, मगर मैं वो सबका रिप्लाई नहीं दे पाता, तो भाई लोग गुस्सा मत करो, तो मैं सबका रिप्लाई देखता तो हूँ मगर इतना जो है आ जाता है तो मैं वो सबका तो एक एक करके रिप्लाई नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं सबका प्रॉब्लम एक साथ बता दूँ। तो ये जो फ़ोन है इसमें क्या होता है कि बैटरी जो है ठीक ठाक तो बैकअप दे देता है, पहले क्या था डेढ़ दिन तक आराम से बैकअप दे देता था और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता था कि अगर आप कॉल ही करोगे, नेट वगैरह नहीं यूज करोगे, सिर्फ कॉल पर्पस यूज करते हो तो आपका ये जो फ़ोन है
दो दिन तक आराम से दे देगा, आराम से। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो पुराना होता गया ना, एक साल हो चुका है, तो अभी जो है एकदम ठीक ठाक से। मैं तो हैवी यूज करता हूँ, फिर भी मेरा जो है एकदम वन डे आराम से चल जाता है, ठीक है। इसके बाद गेम भी खेलता हूँ मैं, मेन पॉइंट, ओके। तो गेम खेलता हूँ, गाना सुनता हूँ, व्हाट्सएप जो है इंटरनेट वगैरह यूज करता हूँ, सेल्फीज कैमराज यूज करता हूँ, सब कुछ जो यूज करना चाहिए वो सब कुछ मैं करता हूँ। उसके बाद भी मेरा एक दिन चला जाता है, ओके। इसके बाद एंड ऑल्सो यहाँ पर बैटरी का जब भी बात हुआ तो मैं और एक बात बताना चाहूँगा आपको, वो है कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि इसका ये जो नॉर्मल सा जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है ना, इसे चार्ज करने में अभी बहुत सा टाइम लग रहा है। तो वो 5-6 घंटा लग रहा है, मगर फिर भी 50% 60% ऐसा ही चार्ज हो जाए, क्यों? तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप पहले देखो कि आपका जो ये जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज ठीक ठाक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्राई करो, और जहाँ पर जो है आपका वायरिंग है, वायरिंग अगर ठीक ठाक है, पहले ऐसा भी हो सकता है कि इस चार्जर में फॉल्ट है, ओके, ये हो सकता है, मगर फिर भी पहले आप चेक कर लो, अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं है तो आप चार्जर नया वाला एक चार्जर किसी दोस्त अगर नया वाला चार्जर खरीदा है तो उससे लेकर एक बार चार्ज करके देखो, अगर फिर भी टाइम लग रहा है उसके बाद एक काम करो, एक नया वाला चार्जर खरीद लो, क्योंकि एक साल हो चुका है फ्रेंड, इसीलिए आपको तो नया चार्जर मिलेगा नहीं आसुस की तरफ से, तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो खरीद लो, ओके। सो मेरा अभी भी ठीक ठाक से जो है 2 घंटा और समथिंग 15-20 मिनट के आसपास मुझे फुल चार्ज करने में लग जाता है, मगर मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एकदम नाइट में इसको बैठा देता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद मैं उठकर इसको फुल चार्ज यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेरा ग्रीन हो जाता है, उसके बाद मैं खोल कर पूरा दिन आराम से चला लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टिप्स है, आप भी फॉलो कर सकते हो, ओके। और एक बार 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 इसको चार्ज मत करना, क्योंकि एक बार 100% हो जाने दो, उसके बाद प्लग इन ऑफ करके उसके बाद यूज करो, क्योंकि पहले 10% हुआ, कुछ टाइम यूज कर लिया, उसके बाद फिर से चार्ज में दिया, उसके बाद कुछ टाइम यूज, इससे क्या होता है चार्जर में भी प्रॉब्लम आता है, एंड ऑल्सो आपका फ़ोन का जो बैटरी है ना उसमें भी ह्यूज प्रॉब्लम आता है, इसीलिए ऐसा मत करो, ओके। पहले भी मैं वीडियो में बताया था, उसके बाद जो है इसका, ओके, तो वेरी स्लो तो चार्ज होता है, एंड ऑल्सो मल्टी टच, जो पहले क्या था इस फ़ोन में मल्टी टच इशू था, क्योंकि गेम पबजी लवर जो है ज़्यादा इस फ़ोन को खरीद रहा था, तो उसके लिए वो 2 फिंगर में तो ठीक ठाक से चल रहा था, जब भी आप 4 फिंगर्स में खेलते हो तो और 3 फिंगर्स में खेलते हो तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था कि मल्टी टच में वो इशू जाता था, लैग करता था ठीक ठाक से काम। ऐसे आप यहाँ पर मूव कर रहे हो, यहाँ पर फायरिंग कर रहे हो और यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो तो आपका जो है लैग हो जाता, ठीक ठाक से नहीं चलता था, मगर अभी ये जो है ठीक ठाक से चलता भी है, मल्टी टच एकदम बढ़िया से काम करता है। मैं खुद यूज करता हूँ, इसके लिए मेरा जो है राय है ये अभी मल्टी टच ठीक से काम कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, इसका मैं प्रॉब्लम का सॉल्व एक इशू में बता दूंगा, ओके। और एक बात मैं एकदम एंड में और एक बात बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये फ़ोन यूज कर रहे हो तो, ओके, तो ज़रूर सुनकर जाना। इसके बाद जो है हमारा फाइनल पॉइंट जो है इसका मंथली अपडेट, तो मंथली अपडेट जो मैं अभी जो देख रहा हूँ, ठीक है, आपको भी मैं यहाँ पर मुंह में नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके मेरा जो है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर नहीं सिक्योरिटी में जाने के बाद अगर मैं दिखाऊँ तो आपको शायद यहाँ पर दिख जाएगा मई का जो है 2019 का सिक्योरिटी पैच है, उसके बाद से इस फ़ोन में अभी तक एक भी सिक्योरिटी पैच नहीं आया। मैं उसके बाद जून जुलाई, अभी तो जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो 2 मंथ्स तक अभी तक एक भी सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं आया है, तो ये एक मेजर इशू है। मुझे लगता है आसूस क्या भूल गया, तो नया मोबाइल निकलने के बाद क्या इस मोबाइल में अपडेट देना ही भूल गया क्या? आसूस तो प्रॉमिस किया था कि 2 अपडेट्स देगा इसमें, इसका मतलब कोई जो क्यू है, जो एंड्रॉयड क्यू जो है वो भी इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुझे लगता है उसमें काम चल रहा है, मगर उसमें काम चल रहा है तो क्या है, इतना बढ़िया सब स्टाफ रखे हो तो इसके लिए तो मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट तो आपको देना चाहिए ना, तो जल्दी से इसमें प्रोवाइड करो। तो मैं कॉल भी किया था आज उसमें, तो वो सब बोल रहा है कि अभी मेंटेनेंस चल रहा है, तो जल्दी ही इसमें मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा,
ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा कि जुलाई का देता है क्या जून का देता है। मैक्सिमम जो फोन्स है उसमें तो जुलाई का अपडेट्स भी आ चुका है, मगर इस फोन में अभी भी मई सिक्योरिटी पैच में चल रहा है, तो ये एक बड़ा इशू है। और अगर आप जो है गेम खेलने के लिए भी एक फ़ोन खरीदना चाहते हो और अगर आपका बजट 8,000 रुपीज़ है तो आप ये फ़ोन आराम से ले सकते हो। 8,000 रुपीज़ में गेम खेलने के लिए इससे बढ़िया फ़ोन आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। 5,000 mAh बैटरी एंड ऑल्सो इसका जो है मेटल बॉडी है और सब कुछ बढ़िया है इसमें। तो इसके लिए जो 5,000 mAh की बैटरी है ना, और अगर आप हेवी गेम खेलते हो तो इसके लिए आपके पास इतना बड़ा डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो आप खरीद सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप जानते ही हो मेरे पास भी है ये Realme X, मैं ये भी खरीदा हूँ, तो अब ये भी खरीद सकते हो। इसका वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो मेन बात है मैं बोलने के लिए बोला था और आप सभी ये वीडियोस देख रहे हो, तो आप एक काम करो, एवरी 6 मंथ के बाद बाद इस फ़ोन को एक बार करके एकदम फैक्ट्री रीसेट करो। ओके, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फिर से इसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करो और रन करवाओ, क्योंकि देखो आप 6 मंथ तक क्या करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो बहुत सारा, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, फिर से और नया वाला इंस्टॉल करते हो, उसको कुछ दिन चलाने के बाद अनइंस्टॉल करते हो, ऐसे मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सब जो जंक फाइल है ना, वो सब कुछ आपका जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर जो है, अगर आप कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो है डॉट, यहाँ पर बहुत सारा जैसे कि .cc, .data storage, ये सब कुछ जो है जंक फाइल नाम से जमा हो जाता है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए आपको 6 मंथ के बाद बाद अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट करोगे ना, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आप जानते हो पावर बटन को प्रेस करके ऑफ कर दो, उसके बाद पावर बटन एंड ऑल्सो वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करके फैक्ट्री रीसेट आएगा। वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते करते नीचे जाके ओके में पावर बटन में क्लिक करके येस कर देना, ऑटोमेटिक फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल में जो जंक फाइल है वो क्लीन हो जाएगा और उसके बाद फिर से वो बढ़िया चलने लगेगा। तो मेरा राय ये है, आपका फ़ोन अगर मेरे तरह 1 साल हो चुका है तो आप इस टाइप से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करो, ये ज़रूरी है, ठीक है। और एक बार दिन में एक बार करके फ़ोन को रिस्टार्ट जरूर करना, क्योंकि देखो आप सोते हो दिन में एक बार, तो इस ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो इसको भी एक बार ऑफ करके ऑन कर लो 1 मिनट के बाद। इससे क्या होगा, इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो फिर से बढ़िया चलेगा। तो यही मेरा राय है आज का। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो विथ प्रेस द बेल आइकॉन। और नया वाला फ़ोन कौन सा खरीदना है उसके बारे में मैं एक बढ़िया से स्पीच लिखा हो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।